मेरे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ IUPAC नेम के कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नेम से जुड़े हुए हैं। तो इस GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में कुछ IUPAC नेम्स जो आते हैं उन IUPAC नेम से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। मैंने एक जो टेस्ट सीरीज शुरू की है इसमें होमवर्क लगातार दे रहा हूं जिससे आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वो हम एक्सरसाइज से लिया। ये एक अच्छी बुक से सेलेक्ट की हुई किताब है, यानी कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये बुक जो मैंने आपको एक बार दिखाई थी, मेरी खुद की अपनी बुक है और मैंने अपने बच्चों क्लास के लिए, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए कुछ नाम सेलेक्ट किए थे, बनाई है बुक, उसमें से कुछ बच्चों को वर्क देता हूँ। तो उन्हीं का ये एक सैम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सैम्पल ज़रा देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला आपके सामने, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-ऑक्सो, यानी सेकंड पे ऑक्सो लगाना है, 3 पे मिथाइल लगाना है और आगे है एन ब्रोमो ब्यूटेनामाइड। तो ब्यूटेनामाइड का मतलब 4 कार्बन तो हो ही जाते हैं, तो एन पे ब्रोमो, तो एन पे ब्रोमो हर जगह लगा है और 2-ऑक्सो है, तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, तो ये ब्यूटेनामाइड हो गया, ठीक है। 3 पे मिथाइल भी मिल रहा है, 2 पे ऑक्सो भी मिल रहा है, तो यही नाम फिर बी सेलेक्ट कर लीजिए कि फर्स्ट का आंसर बी हो जाना चाहिए, कि 2-ऑक्सो 3 मिथाइल एन ब्रोमो ब्यूटेनामाइड, यही नाम आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं। IUPAC नेम है और इसको हम लोग करते क्या है, इसको एक्चुअल में आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर CONH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये CONH2 ग्रुप CH पे लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ज़रा ओपन करके बनाते हैं, देखना पड़ेगा एक बार। BR है, फिर CH2 है, फिर CONH2 CH के नीचे है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर BR लगा लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ CH2 लगा देते हैं, फिर CH और इसके नीचे CONH2 लगा लेते हैं और उसके बाद हम लोग CO लगा लेते हैं और उसके बाद हम लोग CH3 लगा लेते हैं। अब साथियों नाम इसका लिखना है, नंबरिंग यहीं से कर देते हैं, 1, 2, फिर इधर जाएंगे 3, 4 और 5, तो यानी कि पेंटेन तो हो ही गया और 3 पे ऑक्सो भी हो गया, 2 पे ब्रोमो मिथाइल, इस पूरे ग्रुप को ब्रोमो मिथाइल बोलते हैं, 2 ब्रोमो मिथाइल 3 ऑक्सो, पेंटेन और एमाइड लगाना है तो पेंटेनामाइड हो जाएगा। तो हम नाम देख लेते हैं कौन सा नाम सही होगा, यानी कि 2 ब्रोमो मिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनामाइड, और कहीं 2 ब्रोमो मिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनामाइड, 2 ब्रोमो इथाइल है, 2 ब्रोमो इथाइल, यानी कि मिथाइल, डी ऑप्शन आप चेक करिएगा, डी ऑप्शन इसमें सही आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला 2-ethoxy 4-methoxy 3-pentanone, यानी 2 पे क्या होना चाहिए, इथॉक्सी होना चाहिए, 2 पे इथॉक्सी देख लेते हैं कहाँ पर लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पे इथॉक्सी लगा है, यानी कि नंबरिंग अगर हम इधर से कर देते हैं, 1, यहाँ से 1, 2, 3, यहाँ पर भी 1, 2, 3, तो फिर नंबरिंग यही पॉसिबल है, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो यानी कि पेंटेन ठीक हो गया, पेंटेन हो गया, ओन हो गया, ओन कितने पे, 3 पे है, 4 पे मिथॉक्सी है, 4 पे मिथॉक्सी है, ठीक है, फिर नाम आप बी ही लगा लीजिए, चेक करिएगा यही नाम आएगा। IUPAC नेम ऑफ द CH3CH2 का, ये तो मेलोनिक एस्टर है, तो अब मेलोनिक एस्टर का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होगा, वो आपको भी पता होना चाहिए, कि यानी कि 2 हैं तो 1, 2, 3, यानी कि प्रोपेन हो गया, डाइओइक एसिड भी हो गया और 1 और 3 पे डाइओइक एसिड, यानी कि इसका आंसर फिर सी आना चाहिए, प्रोपेन 1, 2, 1, 3 डाइओइक एसिड आना। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका IUPAC नेम क्या होगा ये भी आप जान लें, नंबरिंग यहाँ से कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, यानी कि 2, 4 डाइनाइट्रो हो जाएगा और फिनाइल है हाइड्रेजो बेंजीन दिया हुआ है ना, ये तो हाइड्रेजो फिनाइल हाइड्रेजीन है ना, फिनाइल हाइड्रेजीन है ये, इसको हम लोग फिनाइल हाइड्रेजीन बोलते हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि एक ऑप्शन और भी कोई होना चाहिए, देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन है, 1.3 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन,
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहेड्रिन, यानी कि सी ऑप्शन सही जाना चाहिए पाँचवें का। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, समझ जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं। आईयूपीएसी नेम इसमें देते हैं, इसमें आईयूपीएसी नेम में क्या करना है, छठे वाले में मेन चीज़ नंबरिंग का कंसेप्ट है, तो नंबरिंग में नंबरिंग यहीं से करेंगे, है ना। ये चलेगी 1, 2, 3, तो 3 पे हाइड्रोक्सी आ जाएगा, 1, 2, 3, तो 3 पे हाइड्रोक्सी ढूंढिए। केवल ए में दिया है तो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट हो जाता है, इसमें आपको आईयूपीएसी बाईसाइक्लो लगाना ही है। 2,2,1 लगा देना है, तो 2,2,1 केवल एक में ही दिया है, तो सिंपल सा नाम बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन हो गया। एर्थ वाले पर आ जाइए, एर्थ वाले क्वेश्चन की कंडीशन में नॉमनक्लेचर मेन है, तो ये इतना हिस्सा अगर हम छुपा लेते हैं, ये ग्रुप छुपा लेते हैं, तो नाम हो जाता है इसका मिथाइल बेंजोएट। तो सिंपल सी बात है कि मिथाइल बेंजोएट हो गया, और 2 नंबर पे मिथाइल यानी ये क्लोरो कार्बोनाइल है, ये क्लोरोकार्बोनाइल बोला जाएगा, तो नाम इसका फिर मेरे हिसाब से आना चाहिए 2-क्लोरोकार्बोनाइल और मिथाइल बेंजोएट। तो 2-क्लोरोकार्बोनाइल इथाइल बेंजोएट बेंजोइल ना, ये तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर एक ही नाम करेक्ट बन रहा है, लेकिन कायदा इसका यही होना चाहिए कि 2-क्लोरोकार्बोनाइल मिथाइल बेंजोएट आना चाहिए, मतलब एक्सैक्ट तरीका वही है। तो फिर आप लिख सकते हैं, वैसे जब एस्टर का नाम लिखा जाता है तो पहले जो ये वाला ग्रुप होता है ये भी पहले लिखा जाता है, तो ये बात, जैसे ये ग्रुप जो है ये वाला ये पहले लिखा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए इन्होंने ये यहाँ पर ये पहले मिथाइल लिख दिया, तो मिथाइल 2-क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट, फिर नाम आपका यही सही आना चाहिए जनाब, ये सही आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग 9th पे चलते हैं, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड 1, 2, 3, 4, 5 यानी पेंटेन हो। यहाँ पर अगर ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर यानी सीएचओ से नहीं, ऑर्डर में सीएचओ और सीएन को देखें तो सीएन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि नंबरिंग जो हो जाएगी वो क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 9 में नंबरिंग करेंगे सीएन से, तो 1 यानी कि अगर हम नंबरिंग करें तो 1 साइनों पे नंबरिंग देंगे, साइनों को 1 देंगे, उसके बाद सी एच को 2 देंगे, 3, 4, 5 यानी पेंटेन हो गया, नाइट्राइल भी हो गया, यानी कि आंसर फिर इसका आ जाना चाहिए बी आंसर आ जाना चाहिए, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए जनाब, ये मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, आपको लगेगा कि नहीं साहब हमने क्वेश्चन किया है, यानी 9th वाला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी एन को प्रेफरेंस आप लोग ज़्यादा देंगे एज़ कम्पेयर टू सी एच ओ। अगर सीरीज़ भी आप जानना चाहें तो सीरीज़ को चेक भी कर सकते हैं, सी डब्ल्यू एच पहले होता है, एन सो ऑन, आपके पास लिखी होगी सीरीज़, उससे चेक भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th देख लेते हैं, द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अब इस कंपाउंड में भी वही कंडीशन आ गई कि मिथाइल हो गया और आपका 2-3 ग्रुप लग गए हैं, 3 एक से कार्बन कंटेनिंग 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 यानी कि नहीं 3 कहाँ लगे, 2 ही लगे हैं ना, अच्छा उधर CO फिर CH3OIC, तो नंबरिंग जब करेंगे तो हम लोगों को नंबरिंग इधर से ही करनी पड़ेगी, यहाँ से करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, तो आपका ये ब्यूटेन हो गया और O8 लग गया, तो ब्यूटेन O8 हो गया, तो ये भी चीज़ ठीक है, ब्यूटेन O8 हो गया, और 3 पे ऑक्सो लगा है, 2 पे जो लगा है वो एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ठीक है, तो नाम इसका मिथाइल हो गया, पहले लग जाएगा ये मिथाइल पहले लगेगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा 2-एसिटाइल 3-ऑक्सो, तो मिथाइल 2-एसिटाइल 3-ऑक्सो यानी कि आंसर फॉर सी इसका हम लगाएं, 10th वाले का सी ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट द करेक्ट आईपीसी नेम, इसमें नंबरिंग का मेन कॉन्सेप्ट, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हेप्टेन हो गया ये, तो नाम होना चाहिए 2 यानी कि 1, 2 पे मिथाइल लगा है और 6 पे मिथाइल लगा है, तो 2,6 डाई मिथाइल हो गया ना, और 2,6 डाई मिथाइल हो गया, और उसके बाद ऑप्शन, इसमें ऑप्शन देखें तब तभी तो ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, चलिए 2,6 डाई मिथाइल हो गया, और आपका 1,5 हेप्टाडाइन यानी कि आंसर फिर सी आ जाना चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद करेक्ट आईपीएसी नेम, इसका नाम भी जान रहे होंगे, इसमें नंबरिंग मेन चीज़ है, नंबरिंग यहाँ से करिए, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन हो गया, 3,3 डाईथाइल पेंटेन हो जाता है, तो इसका फिर ऑप्शन आप ए लगा दीजिए फटाफट, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, आईपीएसी नेम ऑफ ए, तो आप 1 पोजीशन इसे दीजिए, 2 इसे दीजिए, यानी कि 1,2 आपका हो गया डाई मिथाइल हो गया और साइक्लोप्रोपेन हो गया। देखिए मैंने ये नाम अपने ए लेटर से इंडिकेट किया, इसीलिए मैंने इसको चुना था, ऐसे ही मैंने एम भी लिया है, हालांकि एन भी लिया जा सकता है,
तो 14 भी है। उसके बाद द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर 1, 2, 3 हो गया, तो 2.2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन, सिंपल 15 का पेंटेन बोलिए, सिंपल 15 में पेंटेन लगा लीजिए। कहाँ पर लगा है पेंटेन? बी, ये लगा हुआ है, इसमें कुछ बहुत नहीं सोचना है, नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, बहुत सिंपल नाम है, कोई दिक्कत नहीं। 16 बहुत ही इजी, मतलब इजी से भी इजी। और इसको हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, यानी कि 2.2 डाई मिथाइल प्रोपेन ये हो जाएगा, 2.2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी इसकी। और इसमें एच में क्या होगा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ये 4 हो गया, तो 2.3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2.3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 17 का डी लगा लीजिए फटाफट। आईपीसी ने अब एफ़ का देखिएगा, 1, 2, 3, 4 यानी ब्यूटेन हो गया, 1, 2, 3, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 1, 2, 3, 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, यानी कि आंसर इसका फिर सी हो जाता है। 19 पे द आईपीसी नेम ऑफ गिवन 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन लगा दीजिए फटाफट। ये तो बहुत ही इजी नाम है, मतलब ये आ गया है इसमें, तो मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी नाम आएंगे, देखिए ये नाम भी अच्छा आ गया इसमें। 20 वाला द आईपीसी नेम, अब इसमें देखिए मज़ा आया नहीं है कि थोड़ा इजी थोड़ा टफ चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग डबल बॉन्ड से करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड से करनी है। तो यहाँ पर आपको एक तो ये बता दें कि हैक्स भी है लगा हुआ है और ब्रोमो भी लगा है, तो 3 पे यानी कि नंबरिंग अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ से करते हैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस तो आप ज़्यादा देते हैं, जान रहे हैं आप, है ना। लेकिन समस्या यहाँ पर एक ये है कि अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1, देखिए नंबरिंग कहीं से भी करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 पे ब्रोमो आ रहा है, है ना, 6 पे ब्रोमो आ रहा है, 5 पे क्लोरो आ रहा है, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो, 3 साइक्लो हेक्स 1 आयन। और अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं डबल बॉन्ड को, भाई ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में आप जानते हैं कि हम लोग डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को कम प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा नाम गड़बड़ा रहा है कि अगर हम प्रेफरेंस देंगे यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5 5 पे आ जाना चाहिए, 4 पे ब्रोमो आ जाना चाहिए, 1, 2, 3, 4 पे ब्रोमो आ जाना चाहिए, 3 पे क्लोरो आ जाना चाहिए, 1 साइक्लो हो गया, साइक्लो हेक्स 5 आयन, ये नाम भी पॉसिबल है, यानी ए का नाम जो है, थोड़ा सा आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि 5 क्लोरो की, यानी कि ये ए वाला ज़्यादा बेटर है कि आंसर फिर सी वाला ज़्यादा बेटर होगा। तो अब आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि सर इसमें आंसर जो है वो 1 आयन वाला ज़्यादा सेलेक्ट माना जाएगा कि 5 आयन। मुझे तो ये पता है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ये आप जान रहे होंगे, पहले किसे प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को, फिर किसे देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको। तो इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर जरा आप चेक करिएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, है ना, उसी हिसाब से नाम चेक करिएगा, तो ए होना चाहिए। अदरवाइज़ बुक में जो इसमें जो ऑप्शन इसका आंसर दिया है वो आंसर साहब बी दिया हुआ है। अब हो सकता है कि मुझे कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, तो आप इस कन्फ्यूज़न को मिटाने में मेरी मदद कीजिए, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसमें नंबरिंग का मेन मुद्दा था, नंबरिंग ही अगर गड़बड़ होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए कोई नहीं, इसके बाद हम लोग आईपीसी नेम इसका लिखते हैं, द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर नंबरिंग फिर यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि इस रिंग है तो अब आपका पेंटेन साइक्लोपेंटेन हो ही गया, तो आइसोप्रोपाइल भी ग्रुप लगा हुआ है, और आइसोप्रोपाइल और एक जगह टर्ट भी, टर्ट 1, 2, 3 जो टर्ट ब्यूटाइल लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहीं से नंबरिंग कर दीजिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो 1 पे टर्ट ब्यूटाइल हो गया, 2 पे आपका आइसोप्रोपाइल हो गया, तो सिंपल सा नाम 1 टर्ट ब्यूटाइल, 2 ऑक्सो, 2 आइसोप्रोपाइल और साइक्लोपेंटेन हो गया, तो इसका मतलब फिर 1 टर्ट ब्यूटाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन, यानी कि बी ऑप्शन इसमें लगा देना चाहिए, है ना। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप डिस्कशन 20 में मुझे करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, 20 का नाम जरूर बताने की कोशिश करिएगा, आप लोग भी मदद करें मेरी। 22 में आ जाइए, 22 में हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग यहीं से करें, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 पे वही टर्ट ब्यूटाइल हो गया, तो आपका 4 पे आपका टर्ट ब्यूटाइल, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है ना, तो 1 पे साइक्लोप्रोपाइल हो गया, 4 पे टर्ट ब्यूटाइल हो गया, तो यानी कि पहले आ जाएगा साइक्लोसी पहले आएगा ना, तो इसका मतलब 1 साइक्लोप्रोपाइल,
और फोर टर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इस तरीके से ये नाम डी इसका सही हुआ। 23, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द 3-मिथाइल अमीनो, तो 3-मिथाइल अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड देख लेते हैं कौन सा है, तो ब्यूटेनोइक एसिड ये वो आपका एन एन डाई मिथाइल हो गया, ये तो गड़बड़ा जाएगा, एन एन डाई मिथाइल 1, 2, 3 नहीं, ये भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो इसका मतलब है 23 का डी नहीं है, सी नहीं है, बी पे देखते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, तो 3 पे एन मिथाइल है दिया कहीं, देखो ठीक है, 3 पे मिथाइल एमिनो, ठीक, ब्यूटेनोइक, फिर आंसर बी ही लगाइए, बी ही लगाइए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कतई कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 24 पे आइए, द स्ट्रक्चरल फार्मूला 3-मिथाइल पेंटेनोइक, तो ये आप अपने आप होमवर्क में करिएगा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसमें ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ऑप्शन आपको मिल जाएगा पक्का है ना, ये ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे, ये है, ठीक है, कुछ आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करिएगा बताइएगा कि नहीं साहब। देखिए होमवर्क करने से फ़ायदा आपको होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जानते हैं प्रैक्टिस ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए मैं दे देता हूँ, कुछ मैं करूँगा कुछ आप भी करेंगे, दोनों लोग मिल के मदद कर रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम को निकालने में कुछ कदम हम चलेंगे कुछ कदम आप चलिए। तो द IPC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग, इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3.3 डाई मिथाइल आ जाना चाहिए, 3.3 यानी कि 25वें का जो आंसर है वो आना चाहिए 3.3 डाई मिथाइल ये आ जाना चाहिए। उसके बाद IPC नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका IPC नेम आप 26 का करेंगे, IPC नेम 26 का लिखिएगा, 27 का IPC नेम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आप जो है 27, 28 क्वेश्चन जो है आप अपने आप लगाइएगा और इनको क्वेश्चन को देखिएगा, इजी है, नंबरिंग का बस मेन मुद्दा रहेगा, आप लोग यार बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, कर पाएंगे इसे आसानी से कर पाएंगे, तो 28 क्वेश्चन करिएगा। 29 क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको 6-7 दे रहा हूँ, तो 29 होमवर्क में लीजिए, 28 लीजिए, करके दिखाइएगा, नाम लिखिएगा, देखिए इजी नाम समझ के ऐसा ना करिएगा, नहीं लिखना है, थोड़ा सा करिएगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं साहब, मैंने अगर कुछ क्वेश्चन किए हैं तो उनके नाम में, अब यहाँ से भी प्रेफरेंस आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दीजिएगा, तो नाम इंडिकेट द रॉन्गली नेम्ड कंपाउंड, इसमें रॉन्गली अच्छा नेम कंपाउंड कौन सा दिया, तो कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे आप, आराम से सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा रॉन्ग नेम है, अरे आप तो इतना यार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 31 को देखिए, पहले इसको देख लीजिए आप, रॉन्ग ऐसे आराम से मेरे रोके हुए हैं, आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी की तरीके से 31 को भी मैं यूं ही रोके हुए हूँ, आप इसमें भी देखिए कि IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका आप क्या नाम होगा, तो 28 से लेकर के 27 से लेकर के 34 तक, 34 तक के नाम आपको लिख करके दिखाने हैं, इसको लिख करके देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो इस कन्वर्जन को कंसीडर करिए, इन विच केस प्रेफरेंस ग्रुप ऑफ द नॉमनक्लेचर चेंज, जहाँ पर नॉमनक्लेचर चेंज हो रहा है उसको बताइए, प्रेफरेंस ऑर्डर कहाँ चेंज हो रहा है वो बताइएगा, तो कोशिश करेंगे आपके इसमें 33 में आपको करना क्या है बता पाएंगे, आप आसानी से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर बदलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसको पूरा नहीं लिया गया, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इनको करके दिखाइएगा, ज़रूर दिखाइएगा, इंतज़ार करूँगा आपके आंसर्स का। तो आपको कैसी लगी ये पूरी नेम कंपाउंड्स के, इन कंपाउंड्स के नेम का इंतज़ार मुझे रहेगा आपकी इसी ही वीडियो के थ्रू, और आप इसमें रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।